जी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू के अंदर आपके पास एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं सेव एंड सेंड फीचर सेव एंड सेंड फीचर हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन सेव करनी हो और उसके बाद फौरन भेजनी हो तो ये फीचर उसके लिए इस्तेमाल होता है इस फीचर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप फाइल टैब में जाइए बैक व्यू में फाइल को क्लिक कीजिए तो आप बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे बैक स्टेज व्यू में आपके पास जो बाई जानेब जो मेन्यू है उसके अंदर फोर्थ लास्ट ऑप्शन जो है सेव एंड सेंड इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास दाई जाने बैक स्टेज व्यू में कुछ ऑप्शन होंगे सेव एंड सेंड सेंड यूजिंग ई मेल आप इसको ई मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं एज एन अटैचमेंट अगर आपकी कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कन्फिगर हुआ हुआ है तो आप एज एन अटैचमेंट उसको भेज सकते हैं सेंड एज पी डी एफ अगर आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इसको किसी को भेजना चाहते हैं सेंड एज एक्सपीएस सेंड एज इंटरनेट फैक्स अगर आपकी कन्फिगर हुई हुई है तो आप इस तरह भेज सकते हैं और सेव टू वेब सेव टू शेयर पॉइंट और पब्लिश स्लाइड्स कर सकते हैं फिर आपके पास है फाइल टाइप्स आप इसको सेव करना चाहते हैं पीडीएफ के तौर तो पे लेकिन सेंड नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप ये ऑप्शंस यूज़ करते हैं तो ये है सेव एंड सेंड ऑप्शन आप अगर इस पर दबाएं सेंड एज अटैचमेंट तो आपके पास ईमेल जो कन्फिगर हुआ हुआ है उस पर यह ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली अटैचमेंट बनी हुई आ जाएगी आपके सामने और आप इसको सेंड कर सकते हैं सेव करके अपनी प्रेजेंटेशन को